कोरोना वायरस का खौफ दहशत के साए बरकरार। वायरस से मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 2000 से तजावज कर गई। 1749 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की तादाद 74185 हो गई। कोरोना चीन के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। 24 घंटों के दौरान शरह अमवात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। चीन में वायरस से मजीद 136 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2000 से तजावज कर गई है। जबकि चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक 1749 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासर मरीजों की तादाद 74185 हो गई है। चीन के साहिल के करीब समंदर में मौजूद जहाज से मुसाफिरों को जुजवी इनखला अमल में लाया गया है। मुसाफिर क्रूज शिप में मौजूद 500 के करीब मुसाफिरों को कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आने पर घर जाने की इजाजत दे दी गई। बहरी जहाज पर कुल 3700 अफराद सवार थे, जिनमें से 542 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दूसरी जानी मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि मुतालिका हुकाम ने वुहान में मौजूद पाकिस्तानी तुलबा से हमारी मुलाकातें की हैं, जो पाकिस्तानी तुलबा की जरूरियात पूरी करने को यकीनी बनाएंगे। चीन में मौजूद 7 में से 6 पाकिस्तानी सेहतयाब हो गए हैं। जो मेरी इतला है वो आखिरी ये है कि 7 लोगों को हुआ था, जिसमें से तकरीबन 6 लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं। सातवां जो शख्स है वो अभी रिकवर करने के प्रोसेस के अंदर है। अब तक 79 सस्पेक्टेड लोगों के पाकिस्तान में सैंपल्स इकट्ठे करके उनको टेस्ट किया जा चुका है। 79 के 79 जो हैं वो नेगेटिव हैं। अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ अभी तक कोरोना वायरस का एक भी कंफर्म पेशेंट नहीं है पाकिस्तान में।